दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था जो साइड में आप थंबनेल देख सकते हैं, उस पर मैंने बताया था कि अगर वार्निंग स्ट्राइक आपको आती है तो मैंने सब कुछ उस वीडियो में डिटेल में बताया, ठीक है। वार्निंग स्ट्राइक आती है तो क्यों आती है और उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताई, फिर भी बहुत सारे फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं कि मेरी जो वार्निंग स्ट्राइक की डेट है वो चेंज होती रहती है। तो मैंने उस वीडियो में बताया, भाई आप क्या देख रहे हो वीडियो में पता नहीं चल रहा, ठीक है। फिर भी मैं आपको आज यहाँ पे मैं इस वीडियो में बताऊँगा, आपको जो यूट्यूब की पॉलिसी है वहाँ पर लेके जाके बताऊँगा, ठीक है। वहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और उसमें आपको इतना ही नहीं, वहाँ पर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके भी दिखाऊँगा, आपको शायद इंग्लिश ना समझ में आए तो मेरे समझ मैं जो समझा रहा हूँ वो भी समझ में ना आए तो मैं आपको ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा कि उस जो पॉलिसी में लिखा वो क्या लिखा है, ठीक है। तो वो आपको मैं स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि वार्निंग स्ट्राइक यहाँ पे मैं सिंपली से बता दूं, वार्निंग स्ट्राइक पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता चैनल पे, लेकिन होता क्या है कि आपको सिर्फ बताने के लिए होता है कि आपकी चैनल डेंजर जोन में है तो आप सेव कर लीजिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट टाइम अगर वार्निंग नहीं मिली सीधे स्ट्राइक ही मिलेगी तो आपको ये ध्यान रखना उस बारे में बताया वार्निंग स्ट्राइक इसलिए होती है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा रीड जरूर कर लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में दिया है और वहाँ पर भी बताया, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स को अभी भी कन्फ्यूजिंग है, तो मैं आपको आज प्रूफ के मतलब कि यहाँ पे YouTube पॉलिसी आपको रीड करके दिखाऊंगा, ठीक है। वो आपको मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन मेरे मोबाइल की स्क्रीन में जाके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी बता दूँ, अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और चलिए स्टार्ट करें। मेरा नाम है नीर, आप देख रहे हैं टेक्नोनीर। तो दोस्तों मैं मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका वीडियो सही था, आपने कोई इलीगल काम नहीं किया था, आपने कुछ भी गलत नहीं बताया था, फिर भी वार्निंग स्ट्राइक मिली है, तो आप अपील भी कर सकते हैं। आप जब स्ट्राइक आएंगी उसके नीचे अपील का ऑप्शन आता है तो वहाँ पर आप अपील भी कर सकते हैं। मैंने अपील का कैसे करते उस बारे में वीडियो बना के रखा, मैं शायद आई बटन में लिंक दे दूँगा या फिर लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहीं पर जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपको अगर आप सही है, आपको ऐसा लगता है आप सही है, तो आप उसको अपील भी कर सकते हैं यूट्यूब को। अगर आप सही निकले तो आपकी जो स्ट्राइक हट जाए, वार्निंग स्ट्राइक हो या फिर कोई भी स्ट्राइक हो, स्ट्राइक हट ही जाती है, ठीक है, अगर आप अपील करेंगे तो, ठीक है। लेकिन आप गलत है तो वार्निंग रहेगी, और इसके बारे में अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में बताऊंगा कि डिटेल के साथ ये किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन पे। तो हम आ चुके मोबाइल की स्क्रीन पे, अब यहाँ पे आपको क्रोम को सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ करना क्या। अगर आप लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है वार्निंग स्ट्राइक YouTube पॉलिसी, जो ऊपर आपको लिखा है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो है ये लिख लेना है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे वाले ये वाला जो लिंक है उस पर क्लिक कर लेना है, जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, टेंशन वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस ट्रैक बेस यूट्यूब हेल्प, उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वार्निंग की बात है, ऊपर आप मैं आपको बाद में पढ़ाऊँ। हम समझते हैं कि आपके गलतियां होती है और आप हमारी नीतियों को उल्लंघन करने के लिए नहीं है, इसलिए पहला उल्लंघन केवल चेतावनी है, मतलब कि ये सिर्फ वार्निंग है आपके चैनल पे, ठीक है। ध्यान दें कि आपको केवल एक बार चेतावनी दी जाएगी, एक ही बार आपको वार्निंग दी जाएगी और ये चेतावनी में आप चैनल पर रहेगी, आपके चैनल पर ही रहेगी, मतलब कि वो डिलीट नहीं होगी। जो कि बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि मेरी जो उसकी डेट है एक्सपायर्ड डेट चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे इसका यही कहना है कि ये जो आपकी चैनल पर रहेंगी और अगली बार जब आपकी सामग्री यानी कि आपकी चैनल पर कुछ इलीगल एक्टिविटी हो या फिर ऐसा वीडियो मिल जाए, ठीक है, जो लीगल ना हो, तो इसे उल्लंघन करने के लिए मिल जाती है मतलब इन लोगों को स्ट्राइक मिल जाएगी, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्ट्राइक मिलेगी। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वार्निंग दी जाती है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको नीचे स्लाइड करके दिखाता हूँ, तो ये रहे फर्स्ट स्ट्राइक। अगर वार्निंग के बाद भी आप नहीं सुधरते, आप ऐसा वीडियो कंटेंट डाल रहे हैं, तो आपको फर्स्ट स्ट्राइक मिल जाएगी, ठीक है, ये रहे फर्स्ट स्ट्राइक। और इस बीच में आपको मैं हिंदी करके दिखा देता हूँ, ये जो इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्ट्राइक मिलने के बाद, अगर यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्ट्राइक में क्या है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर मतलब कि ये आपको फर्स्ट ट्रैक मिलते हैं उसमें वो 90 दिन की वैलिडिटी होती है 3 महीने की, ठीक है। और इस फर्स्ट ट्रैक में आपको एक सप्ताह के लिए यानी कि एक वीक के लिए आपका अपलोडिंग बंद हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पनिशमेंट दी जाएगी आपके चैनल पे, ठीक है, सिर्फ एक वीक के लिए जब फर्स्ट ट्रैक मिलती है। और फर्स्ट ट्रैक स्टार्टिंग में से नहीं मिलेगी, जो खास ये जो नियम लागू हुआ है वो नए चैनल के लिए है, ठीक है, क्योंकि पहले से जो पुराने चैनल उस पर कई बार स्ट्राइक आ ही गई होगी, तो ठीक है, इसमें वार्निंग ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जो नए चैनल्स होते हैं उनमें वार्निंग ज़्यादा आती है, ठीक है। और फर्स्ट वार्निंग दी जाती है, इस बीच में आपको सुधर जाना है, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट स्ट्राइक आएगी, कोई भी वार्निंग नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखिए सेकंड स्ट्राइक, मतलब यहाँ पे भी बताया है कि अगर आपकी जो ये फर्स्ट स्ट्राइक चल रही है, इस बीच में एक और स्ट्राइक आ जाती है, तो आपका 2 वीक के लिए यानी कि दो वीक के लिए यानी कि ऑलमोस्ट 14-15 दिन के लिए अपलोडिंग बंद किए जाएगी, ठीक है, आपके चैनल पर। और यहाँ पर
दो स्ट्राइक वहाँ पे शो होगी आपकी चैनल पे, ठीक है। इसी बीच में अगर दो स्ट्राइक ऑलरेडी चल रही है और फिर थर्ड स्ट्राइक आ जाती है आपके चैनल पे किसी भी वीडियो पे, वहाँ पे कोई वार्निंग नहीं आएगी अब, ठीक है। जब स्ट्राइक स्टार्ट फर्स्ट स्ट्राइक आ जाती है उसके बाद कोई वार्निंग नहीं आएगी, सीधी स्ट्राइक ही आएगी, ठीक है। तो वार्निंग में आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्ट्राइक आएगी तो आपके चैनल पे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। और तीन स्ट्राइक जब आप एक ही दिन या तीन महीने के अंदर अंदर आ जाती है, जब फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक चल रही है उसी बीच में थर्ड स्ट्राइक आ जाती है, तब जाके आपकी चैनल डिलीट की जाएगी यूट्यूब से, ठीक है। मतलब सात दिन के बाद यहाँ पे थर्ड स्ट्राइक आ जाती है। अगर इस सात दिन के अंदर आप जो स्ट्राइक है सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, मतलब कर सकते हैं तो आपको करना होगा सात दिन के अंदर, ठीक है। और एक स्ट्राइक भी हट जाती है तो वापस आपके चैनल बच सकता है, लेकिन अगर आप सात दिन के बाद देखेंगे तो आपके चैनल डिलीट हो जाएगी यूट्यूब से, ठीक है। तो यही मकसद है इसका कि सबसे पहले आपको वार्निंग दी जाती है, जो बहुत सारे फ्रेंड को अभी भी कंफ्यूजिंग है, वार्निंग मुझे मिली मेरे जो डेट एक्सपायर्ड नहीं होती, चेंज होती रहती है। तो यही कहना है कि आपके चैनल पे ये रहेगी वार्निंग और आपको याद रखने के लिए वार्निंग होती है, और अभी नेक्स्ट टाइम आपको गलती करता है तो आपको फर्स्ट स्ट्राइक आएगी, इस बार कोई वार्निंग नहीं आएगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया तीन स्ट्राइक आती है चैनल डिलीट हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है वो आप पे डिसाइड है, आपको करना है। मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझा दिया कि ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये अब समझ में आ चुका होगा, तो वीडियो को करिए लाइक, और कभी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये जो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप चाहे एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।